नानी जेके साथ है, नानी कले के एक गल है जखना झाक, एक बात को तुमने नहीं जाना। वो भी एक बात बोलता है, बोलता है एक बुझे तो हो पाक, एक ना बुझे तो सदा ना पाक। मेरी एक लाइन देखो, एक बुझे तो पाक है, पवित्र है, एक ना बुझे तो सदा ना पाक है। तुम सब अपवित्र है, अभी तक भी तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तू त्यागी है, तू वैरागी है, तू उदासी है, तू कुछ है। चाहे त्याग किसने किया होगा तो मन में त्याग की भावना आएगी, ये नहीं त्याग कर सकता है, मैंने इतना किया है, मैं ये भी छोड़ सकता हूँ, मैं घर भी छोड़ सकता हूँ, मैं ग्रस्त भी छोड़ सकता हूँ, मैं ये भी छोड़ सकता हूँ। ये भी एक क्रोध की निशानी है, अहंकार की निशानी है। बाकी त्याग और ग्रहण कुछ बात ही नहीं है। त्याग क्या, ग्रहण क्या? पहले तो शरीर को जला के आओ, पहले सजे शरीर, पहले ये विकारी है दुनिया में, और कोई चीज विकारी नहीं है, एक देह जाति विकारी है, वो तू कैसे छोड़ेगा? उस शरीर को कहाँ छोड़ के आएगा? इसका त्याग शरीर का कैसे करेगा? वो भी तुमको अनुभव करने का है, तो शरीर का त्याग कैसे होगा, अहंकार का त्याग कैसे होगा? तभी गुरु सामने आता है तो तुमको ये बताता है, अभी मैं रहूंगा तू नहीं रहेगा, ये मेरे पास आया है तो तुमको हम जीना नहीं देगा। फिर हमारे पास जो लोग सत्संग सुनने आते हैं, बोलते हैं भगवान मैं कितना मरूं, मैं कितना मेहनत करूं, आखिर कितनी मेहनत करूं, मेरे को गाली भी लगती है, बेटे का ये भी लगता है, आदमी का ये लगता है, मैं कितना मरूं आकर। तो जब तक तेरे को मरना बाजता है तो तुमको जीना आया नहीं है। हम जीता है, तू मरता है, तुमको मरना ऐसा भासता है तो तुम्हारे में छोटी आय है। ये कैपिटल आय वाला सबको अपनी आत्मा जानेगा, सबको अपनी आत्मा देखेगा, अनुभव करेगा, फील करेगा, तो अहंकार किससे करेगा, इच्छा किस में रखेगा, मोह किससे करेगा? कैपिटल आय देखो, जैसे वर्ल्ड गोल है, राउंड है, ऐसे आय जो है ना वो राउंड देखो, सारी सृष्टि उस आय के ऊपर खड़ी है, आत्मा के ऊपर खड़ी है सारी सृष्टि। तो सारी सृष्टि है नहीं, जगत है नहीं, पर आत्मा है। तो भगवान ने तुमको जन्म नहीं दिया है, पर ये मोटर दिया है, तो तुम मोटर के ऊपर सैर करके घूम फिर के आओ। तुम तो पता नहीं क्या जल जल के मरते, मोटर तो उसको समझता नहीं है, गाड़ी तो उसको देखता नहीं है, और तुम बोलते हैं मैं कर्मों से शरीर लिया है, कर्मों से। तो भगवान तुम्हारा कर्म काउंट करेगा, पर अभी मोटर कौन सा कर्म करती है, गोरा कौन सा कर्म करता है, बोलो गाड़ी कौन सा कर्म करती है? तुम्हारा ही काला मैंने जो, तू कर्म वाला अपने को जानता है, देह में आके तुम कर्म मानते है, पर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज पावर, वो नॉलेज हो जिसने हमको शक्ति मिले। तुम्हारा नॉलेज जो भी है, कितनी भी बड़ी डिग्री दुनिया की लेके आओ, वो मनुष्य की डिग्री हुई ना, मनुष्य ने दिया ना तुमको, गुरु ने थोड़ी दिया, भगवान ने थोड़ी तुमको पावर दिया, तो ये डिग्री तुम्हारी पास है या फेल है? तुम्हारी डिग्री कौन सी है? सब माया की डिग्री है। तुम माया कमा के आते हैं, माया मिलती है, माया यूजलेस होती है, वो आती है जाती है, आती है जाती है, फिर खलास हो जाती है। माया देखने में है तो मेरे को करोड़ रुपया मिला, भाई थोड़े दिन के बाद वो पता नहीं कहाँ चेंज में आ जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, कुछ भी तुम्हारे साथ अभी नहीं है। अभी तू आया भी है, बैठा है, पर तेरी वासना जीती है। तुम सबके अंदर में कोई ना कोई चीज याद है, वो है वासना। जन्म मरण का कारण है वासना, और क्या होता है, सब क्या है, पर वासना तुम्हारी सत्य है। तो भगवान काउंट करता है, तो तू वासना से जीता है, वासना से मरता है, वासना से खाता है, वासना से पीता है। जब तक वासना को नहीं जानेगा, अपने ऊपर आशिक नहीं होगा। हम खुद आशिक है, खुद माशूक है, नशे में चू रहते हैं, हम अपने नशे में रहते हैं, निर्वासना रहते हैं, किसी में हम मन रखें
इतने में मन करके पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। तुम जो घर में बोलता है मेरा बेटा बेइज्जती करता है, मेरा आदमी ऐसा करता है, मेरी बहन ऐसा करती है, वो करता नहीं है, सपने में तू मानता है। जब सपने में है तो मेरा बेटा बराबर है, जब हम जागरी ज्योत है तो सब सोए पर या खाली मैं ही जाता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ तो मैं जागता हूँ। देखो जागरी ज्योत कौन है, मैं ही आत्मा हूँ तो मैं जागरी ज्योत हूँ और सब सोए पर है, क्योंकि जहाँ दो में तू तुम्हारा मन है तो तू देह मुर्दे में पड़ा है और देह मुर्दा जो है वो मरने वाला है, तू सब मानिंग मंश बैठा है।